क्वेश्चन नंबर 2.21, ये क्वेश्चन हमसे कहता है कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या कोई बॉडी रोटेट कर सकती है अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, अगर जो फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल हो। तो इसका आंसर है नो, वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द अंडर द एक्शन ऑफ वेट रोटेट नहीं कर सकती। इसका जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो हम मैथमेटिकली देंगे। रोटेट करने को हम कहते हैं टॉर्क, और टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अब लेट करें ये हमारी बॉडी है और जिस एक्सिस के गिर्द इसने रोटेट करना है ये हमारा एक्सिस है। जो फोर्स है वो वेट की वजह से, और वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। ठीक है, वेट डाउनवर्ड है यानी कि फोर्स डाउनवर्ड है और एक्सिस भी। तो देखें एक्सिस और फोर्स आपस में पैरेलल है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो एंगल उनमें जीरो होता है। आप इसमें जीरो पुट करें, साइन जीरो जीरो होगा। तो मैथमेटिकली प्रूफ हमें मिल गया कि जो टॉर्क है वो इस केस में जीरो होगा, यानी कि टर्निंग इफेक्ट जीरो होगा तो रोटेशन जीरो होगी। ठीक है, एक इसका आंसर ये है। दूसरा इसका आंसर ये है कि इस केस में जो मोमेंट आर्म है वो भी जीरो है, क्योंकि मोमेंट आर्म जो है जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं ये वो फासला होता है जो फोर्स और एक्सिस के दरमियान होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं मोमेंट आर्म को थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर मैं दूसरा आंसर आपको बताता हूं। लेट करें ये डोर है, यहां से आप फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है और ये डोर का पॉइंट ऑफ एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द डोर ने रोटेट करना है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एक्शन के दरमियान ये जो फासला है, इस फासले को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, फोर्स और एक्सिस के दरमियान जो फासला होता है उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। लेकिन इधर देखें जो एक्सिस है वो भी सेंट्रल पॉइंट है, और जो फोर्स लग रही है वेट, वेट भी हमेशा बॉडी के सेंटर पे लगता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा साइड पे बनाई है, वेट वाली लाइन भी इस एक्सिस वाली लाइन के ऊपर बनेगी। तो एक्सिस वाली लाइन और फोर्स के दरमियान फासला नहीं है, देखिए फासला होगा तो उसको मोमेंट आर्म कहेंगे, यहाँ फासला नहीं है तो समझो मोमेंट आर्म नहीं है। अगर मोमेंट आर्म जीरो तो टॉर्क जीरो, यानी कि रोटेशन जीरो। ठीक है।